कमिंग टू महाबलेश्वर यू ऑल नो व्हाट टू सी इफ यू आर स्टेइंग फॉर जस्ट वन डे. एक दिन में आप क्या क्या देख सकते हो या फिर क्या क्या देखना चाहिए इन महाबलेश्वर, तो उसके लिए चलिए लेट्स गो. मुझे अब भी दिखा, इट्स सो ब्यूटीफुल जस्ट बिटवीन द माउंटेन्स. ये देखिए हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन. और आज हम मैं आप लोगों को लेकर चलने वाली हूँ महाबलेश्वर. मतलब मैं सिर्फ महाबलेश्वर लेके नहीं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आप क्या क्या देख सकते हो व्हेन यू आर इन महाबलेश्वर. एंड ऑफ कोर्स अगर आप महाट का रूट ले रहे हो दैट इज NH 166, तो एन रूट आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. सीधा आप लोग महाबलेश्वर जाओगे और फिर आप कुछ देखोगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. आप लोग एन रूट भी गाड़ी रोक के एक बहुत सुंदर फोर्ट देख सकते हो. एंड वॉट एल्स, सब कुछ अभी बोल दूं? नहीं, बट लेट्स गो टुगेदर एंड सी महाबलेश्वर में क्या है क्या नहीं है. तो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए केव्स, मुझे अब भी दिखा, इट्स सो ब्यूटीफुल जस्ट बिटवीन द माउंटेन्स. ये देखिए यहाँ से जा रहे हैं स्टेप्स जहाँ से आप केव्स जा सकते हो, और वो देखो लोग भी है उधर केव्स के अंदर, लोग जा रहे हैं. दैट्स सो ब्यूटीफुल. ये ऊपर आप लोगों को दिख रहा है केव्स, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. वाओ, दिस इज सो नाइस. हम इतनी बार यहाँ से जाते हैं, कभी देखा ही नहीं है. दिस इज सो सो ब्यूटीफुल, है ना. तो चलिए चलते हैं, अभी हम दिखाते हैं आपको द सेकंड पॉइंट, वन ऑफ द मेन प्लेसेस ऑफ व्हेन यू कम टू महाबलेश्वर. तो चलिए चलते जाते हैं अंदर, देखते कैसा है और क्या है और कितना दूर है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो माइलस्टोन, सो समझ में नहीं आ रहा कि कितनी दूर है ये फोर्ट. ओके, तो फोर्ट तो बहुत ही दूर है, लंबा है. अभी आज हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि हमारा मेन डेस्टिनेशन तो महाबलेश्वर है. बट हम यहाँ से नीचे से ही हमने देख लिया, और ये देखो मैं जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ. सो दिस इज द प्रतापगढ़ फोर्ट, और देख के अच्छा लग रहा है. पहुँच ही रहे, इट्स जस्ट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम यहाँ महाबलेश्वर. यहाँ से कोयना रिवर में वाटर राफ्टिंग होता है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इन वाटर राफ्टिंग, यू कैन कम हियर एंड एंजॉय दैट. यहाँ मुझे वैसे दिखा नहीं, मे बी बिकॉज इट्स अ वीक डे, लोग हैं नहीं, तो शायद इसीलिए टुडे डू नॉट हैव द फैसिलिटी टुडे, बट यहाँ से होता है. सो इफ यू वांट जस्ट 5 किलोमीटर्स डाउन महाबलेश्वर टुवर्ड्स महाड, आप लोग आ सकते हो एंड यू कैन एंजॉय रिवर वाटर राफ्टिंग एट महाबलेश्वर. और ये हम आ पहुँचे हैं महाबलेश्वर मार्केट में. मार्केट के अंदर नहीं जा रही हूँ फिलहाल, बट मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को कि महाबलेश्वर आएंगे तो मार्केट देखना तो बनता है, बिकॉज दिस इज़ लाइक द मॉल रोड जो जनरली होता है इन एवरी हिल स्टेशन. यहाँ पे बहुत सारे दुकान है, बहुत कुछ मिलेगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हनी, यू गेट वेरी वेरी प्योर हनी हेयर. तो अगर आप आ रहे हो तो लेके जा सकते हो. एंड ऑफकोर्स स्ट्रॉबेरीज, मलबेरी, ये सब जो महाबलेश्वर का मेन अट्रैक्शन है वो तो मिलेगा ही. जो मैप्रो का जो भी सामान है, फ्रेश जैम, जेली, सब कुछ आपको ये मार्केट में मिलेगा. सो इफ यू आर कमिंग टू महाबलेश्वर, डेफिनेटली हिट द मार्केट. तो चलिए अब चलते हैं द नेक्स्ट पॉइंट. स्ट्रॉबेरी का दुकान महाबलेश्वर का फेमस स्ट्रॉबेरीज. और ये हम आ पहुंचे हैं केट्स पॉइंट एंड नीडल पॉइंट. देयर आर टू पॉइंट्स हियर, बट देन अनफॉर्चुनेटली दोनों बंद है. आई थिंक यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे अपरूट हुआ है, तो इसके वजह से बंद था. सॉरी वी कुडंट गो, बट आप लोग जरूर जाइएगा. और ये हम पहुंच गए टू द नेक्स्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए जब आप महाबलेश्वर आ रहे हो, दैट इज द वेन्ना लेक. यहाँ पे बोटिंग होता है, हॉर्स राइडिंग होता है, खाने के लिए बहुत सारे दुकान है, बट कहाँ है सब, कुछ भी नहीं दिख रहा है. दिस इज द चार्म ऑफ मॉनसून. कल सुबह भी एक बार मैं ट्राई करूंगी आके देखने के लिए इफ आई कैन शो यू ऑल द वेन्ना लेक, बट ये देख लीजिए मॉनसून में कैसे दिखता है ये जगह.
सो दिस इज हाउ द लेक इज राइट नाउ. पानी इधर है बट कुछ नहीं दिख रहा है. कहाँ बोटिंग करेंगे, कहाँ कुछ करेंगे, नथिंग, जस्ट नथिंग. जस्ट लुक एट दिस. जबकि दिस इज द प्लेस जो कितना भीड़ रहता है, लोग रहते हैं, बट अभी तो जो हाल है कुछ दिख नहीं रहा है. तो मैं कल सुबह आप लोगों को दिखाती हूँ द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो महाबलेश्वर में आप जब आओगे तो जरूर देखना पड़ेगा. तो चलिए चलते हैं, कल सुबह मिलते हैं. The next morning. Hey guys, a very good morning from Mahabaleshwar. और आज है हमारा day 2 in Mahabaleshwar. Look at this view. This is just beautiful. हम लोग जा रहे हैं अब थोड़ा महाबलेश्वर देखने के लिए, साइट सीइंग. क्योंकि महाबलेश्वर तो हम आते हैं पहले. क्या है साइट सीइंग? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देखा है, बट आई कुड नेवर डू इट फॉर यू क्योंकि उस टाइम पे तो मैं व्लॉग करती नहीं थी. तो मैंने सोचा कि आई मस्ट शो यू ऑल महाबलेश्वर. जो लोग नहीं आए हों, मेरा ये रणवीर सिंह जैसा चश्मा थोड़ा सा ऑड लग रहा है आई थिंक, बट मेरे पास और चश्मा फिलहाल है नहीं, गाड़ी में है. सो आई थॉट आई एम यूजिंग दिस, बट एनी विच वे लेट्स गो एंड सी फ्यू प्लेसेस इन महाबलेश्वर. एंड आप लोगों को भी दिखा देती हूँ सो दैट इन केस यू आर कमिंग टू महाबलेश्वर यू ऑल नो व्हाट टू सी इफ यू आर स्टेइंग फॉर जस्ट वन डे. एक दिन में आप क्या क्या देख सकते हो या फिर क्या क्या देखना चाहिए इन महाबलेश्वर? तो ये सारे जो जगह है पॉइंट्स वी विल ट्राई टू कवर इट. लेट्स सी इफ दे आर ओपन, क्योंकि अभी वैसे तो ऑफ सीजन है, सब कुछ बंद है. तो लेट्स सी. ओके, तो ये है, ये देखिए द लेक. दिस इज सो ब्यूटिफुल. सुबह सुबह फिर भी दिख रहा है. कल तो कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा क्लाउड्स से भरा हुआ था, कुछ नहीं दिख रहा था. बट दिस इज सो ब्यूटीफुल. अभी तो बहुत सुंदर लग रही है. तो मंदिर है क्या कोई? अरे यार मंदिर ही है. इट्स द महाबलेश्वर टेम्पल. चलिए चलते ऊपर. थोड़ा सा स्टेयर्स है अप हिल, बहुत ही कम वैसे जाते हैं. देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं. चलिए. वैसे सारे दुकान बंद है. इट इज 7:45 इन द मॉर्निंग. सब कुछ बंद है, हम लोग ही है सिर्फ. देखते हैं. इतनी बार आए हैं महाबलेश्वर बट कभी ये मंदिर देखा नहीं है. First time. ओके, तो मैं अभी अंदर से आई हूँ बट वहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं अलाउड था तो मैं इसीलिए कुछ कैप्चर नहीं कर पाई. बट मैं आप लोगों को बाहर से जितना हो सके दिखा रही हूँ. बट जरूर आइएगा अगर आप आ रहे हो, क्योंकि बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर है और एकदम खाली है. सुबह है तो सुबह सुबह आएंगे तो अच्छा दर्शन भी हो जाएगा. तो चलिए चलते हैं इधर. जस्ट नेक्स्ट डोर देयर इज अनदर टेम्पल, उधर जाते हैं. और ये आ गए हम पंचगंगा मंदिर. यहाँ पे भी लिखा है कि कैमरा इज नॉट अलाउड. तो सॉरी, मैं आप लोगों को अंदर तो नहीं जा ले जा सकती, बाहर से ही दिखा रही हूँ. पर जरूर आइएगा क्योंकि यहाँ पे भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला. तो सेम थिंग, सुबह जल्दी आएंगे तो बहुत अच्छा दर्शन होगा, नहीं तो क्यों में खड़ा रहना पड़ेगा. बट आइएगा जरूर. अभी चलते हैं द नेक्स्ट जो कि है कृष्णाई टेम्पल, और ये भी एकदम उसके साथ लगा हुआ है. चलिए चलते देखते हैं हाउ इज द कृष्णाई टेम्पल. मंदिर के बाहर से जो व्यू है वो पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं. ओ माय गॉड, ये ऐसा कुछ व्यू है जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मंदिर. दिस इज जस्ट एकदम जो बोलते हैं ना ब्रेथ टेकिंग व्यू. कितना सुंदर है, आप लोग एक बार देखिए, फिर मैं आप लोगों को मंदिर भी दिखाती हूँ.
तो ये था कृष्णाई टेम्पल, बहुत ही सुंदर, एंड ज़रूर आइएगा आप लोग भी, और आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एंड हम वो आपको दिखा देते हैं। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द मार्जोरी पॉइंट, और यहाँ से व्यू इज समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द व्यू, एंड व्यू तो बहुत सुंदर है, बट देन आई विल डेफिनेटली से दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आजकल जैसे लोग रील बनाने के चक्कर में एंड ब्लॉग बनाने के चक्कर में दे डोंट रियलाइज एंड एक्सीडेंट होते हैं रहते हैं, सो बी केयरफुल। बट येस, दिस इज द व्यू, एंड व्यू बहुत सुंदर है। तो ये है सावित्री पॉइंट, और ये आप नीचे जाके यू कैन एंजॉय द व्यू, और ये कुछ ऐसा है। चलिए चलते देखते। तो वन गुड थिंग इज दैट सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट एक ही जगह पे है, तो आप अगर एक जगह पे पहुंच गए तो इन नो डिस्टेंस यू कैन एक्चुअली सी ऑल द पॉइंट्स। बट मुझे मालूम ही नहीं था महाबलेश्वर हैज गॉट सच ब्यूटीफुल प्लेसेस। ओल्ड महाबलेश्वर में ये थे अरे 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 ये देखिए, ओ माय गॉड, इज अ डियर, ओ गॉड, ये तो फंस गया, ये नहीं जा पा रहा। ओके, तो जैसे आप लोगों ने देखा एकदम अचानक से देर वॉज अ डियर, एंड रास्ते के बीच में हमको पहले समझ नहीं आया, हमने सोचा था कि मे बी देर इज अ डॉग, बट नो। तो हम कैमरा बंद करके वी वर जस्ट वेटिंग कि वो क्रॉस कर जाए, तो हो गया हमारा यस। एंड ये है द लास्ट पॉइंट फॉर नाउ, देर इज अनदर शिव टेम्पल, दिस इज ऑल्सो इन ओल्ड महाबलेश्वर, हमारे एकदम होटल के सामने। चलिए चलते हैं, देखते हैं ये शिव टेम्पल बिफोर वी से बाय बाय टू महाबलेश्वर। और अब फाइनली घर जाते वक्त ये देखिए नजारा, वेना लेक में बोटिंग हो रहा है। थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी दैट मैं आप लोगों को दिखा पाई वेना लेक एंड बोटिंग हैपनिंग देयर। तो अगर आप आ रहे हो तो जरूर जरूर बोटिंग के लिए आइएगा, क्योंकि इट इज रियली फन। एंड जस्ट नेक्स्ट टू दैट देयर इज हॉर्स राइडिंग, वो भी आप कर सकते हो, और फिर भुट्टा खा के, फ्रेश गाजर खा के आप जा सकते हैं। तो yes, these are the places that you must visit when you are in Mahabaleshwar. And और एक चीज जो मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग जरूर आइएगा, दैट इज मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन में बैठ के पिज्जा एंड फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रीम, चॉकलेट क्रीम, वो सब आप खा सकते हैं। एंड उसके बाद पंचकनी के उधर एक टेबल लैंड है जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। तो ऑल्सो देर इज गो कार्टिंग का जगह, मतलब बहुत कुछ है। महाबलेश्वर 2 दिन पूरा तो जरूर एंजॉय कीजिएगा,
और 3 दिन करेंगे तो फिर कुछ अलग ही बात है। तो चलिए ऑन दैट नोट बाय बाय, टेक केयर। आई होप आई हैव बीन एबल टू शो यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ महाबलेश्वर, और अगर आप आओगे महाबलेश्वर तो दिस ब्लॉग विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। एंड दैट नोट आई विल से टाटा बाय बाय, टेक केयर। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं वापस से बोल रही हूँ क्योंकि यू नो राइट, ओके सो बाय, सी यू। और हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं बहुत ही जल्द, सो स्टे ट्यून्ड।